हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, थोड़े दिनों पहले हमने शॉपिंग किया था, कुछ प्लांट्स खरीदे थे गाइस, उसमें से ये एक प्लांट है लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो गाइस, ये जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है ये दो पॉट में प्रेजेंट थे और दो पॉट में चार प्लांट्स थे, तो इसीलिए आज हमने सोचा कि इन्हें अलग अलग करके लगाया जाए। और जो इनकी मिट्टी थी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी थी, तो इसीलिए हमने इनको रिपोर्ट करने का सोचा। पॉटिंग के लिए सॉइल मिक्सचर हम लोगों ने तैयार पहले ही कर लिया था। सॉइल मिक्सचर में हमने यूज़ किया है गार्डन सॉइल, काउडंग, पत्तों वाला फर्टिलाइज़र, नीम खली। सो इन चारों का मिश्रण बेहतरीन सा तैयार किया है हम लोगों ने। सो जड़ में हमने फंगीसाइड का भी इस्तेमाल किया है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखा दूँगी। सो ये देखिए, चार प्लांट्स हमारे पास हो गए हैं। इन प्लांट के साथ साथ मैंने और भी कई सारे प्लांट्स लिए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सारे तो नहीं है लेकिन महंगे प्लांट्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ख़रीदा है लेकिन कम ही है। ये देखिए, इन जड़ों में से एक छोटा सा नया सा लिपस्टिक एग्लोनिमा निकल रहा था, तो इसीलिए हम इनको भी यहाँ पर ये छोटी सी पॉट में लगा देंगे। सो ये देखिए, मेरी मम्मी कितने अच्छे से और ध्यान से लगा रही हैं इनको। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पता है, बहुत सारे जो सीनरी प्लांट्स हैं उनका सीज़न आ गया है। बहुत सारे नहीं गाइस, ऑलमोस्ट सब सीनरी प्लांट का सीज़न आ गया है। मेरे मॉन्स्टेरा से लेकर लकी बैम्बू स्पाइडर प्लांट, सब जितने भी सीनरी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स, दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो सारे ग्रो हो रहे हैं, तो इसीलिए हम अभी इनको बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे, स्पेशल केयर, स्पेशल फर्टिलाइज़र। और तो और गाइस, इनको सनलाइट भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। विंटर सीजन में ये सारे प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इनको थोड़ा हमें मतलब कि धूप बारिश से छिपा के रखना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग इन्हें अच्छे से रख सकते हैं। सो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ प्लांट, ये सारे मैंने फूल वाले भैया से लिए हैं। सो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ गाइज। सबसे पहले तो ये हमारा लिपस्टिक एग्लोनिमा, और उसके साथ में यहाँ पर ये देखिए गाइज, ये जो फ्लावर है ये पिछले साल हमने वाइट कलर का ख़रीदा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो गया है। आज हम लोगों ने लिया है ये पिंकिश रेड कलर का। इसकी जो कली है वो थोड़ी पिंक रहती है लेकिन बाद में ये रेड हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ये फूल है। ये जो फूल है गाइस, ये क्लाइंबर वाले फूल है, तो इसीलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया हुआ है डंडे से ऑलरेडी। आई होप कि जिस तरह से वाइट वाला ग्रो हुआ है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाए, और इन्हें ढेर सारे मतलब कि बेबी प्लांट्स भी देने हैं बाद में। ये हमारा वेरीगेटेड एंथूरियम है गाइज। सो ये हमारे पास प्योर पिंक कलर में है लेकिन वेरीगेटेड फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लिया है। इनका प्राइस मुझे पड़ा 750 रुपीज़। तो प्लांट एक्सपेंसिव ही होता है एंथूरियम का, आप लोगों को पता होगा। नॉर्मल एकदम सस्ता प्लांट भी 300 का पड़ता है एंथूरियम के जो वेराइटी है उसका। ये एक और वेराइटी है, ये भी 750 में लिया। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा प्लांट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा। सो इन्हें अभी हम लोग इन्हें रिपोर्ट या फिर इनके जो दूसरे प्लांट है उन्हें अलग नहीं करेंगे। ये एक और ग्रीन कलर का एग्लोनिमा। सो एग्लोनिमा का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन हो गया, इसके साथ एक और कलेक्शन बढ़ गया है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इसे भी आई होप कि मैं रिपोर्ट कर पाऊँ। अभी तो मैं रिपोर्ट करूँगी या फिर नहीं करूँगी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब भी करूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी गाइस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेरी वीडियो से सीख सकें कि प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट करना है, किस तरह से केयरिंग करनी है और किस तरह से वाटरिंग करनी है। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो गाइस किस बात की वेट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस को वॉच ज़रूर करें गाइस। सो इंडो प्लांट के साथ साथ अभी क्रिसेंथेमम के प्लांट का भी सीज़न आ गया है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने क्रिसेंथेमम की कटिंग करने शुरू कर दी है,
तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने जो कटिंग किया हुआ क्रिजेंथेमम है उनके रूट्स आने के बाद मैंने उनको ट्रांसप्लांट भी कर लिए हैं, और ट्रांसप्लांट जो क्रिजेंथेमम है उनको मैंने एक साथ रखा हुआ है एक बास्केट में। सो ये जो बास्केट है ये वेजिटेबल एंड फ्रूट बास्केट है, ये मैंने सब्जी वाले भैया से लिया था, पैसे में गाइस, फ्री में तो नहीं, तो वहाँ से मैंने लिया था, क्योंकि गाइस एक एक प्लांट को उठा के ले जाना दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा मुश्किल, बार बार आना जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि एक ही बार ऐसी टोकरी ले लेती हूँ जिसमें सारे प्लांट इस तरह से फिट हो सके, दो तीन बार में बहुत सारे प्लांट मैं ले जा सकती हूँ। तो देखिए यही फूल सारे कितने ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं, खिलते हैं विंटर में, आप लोगों को पता ही होगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, किसी भी प्लांट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरा जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव you all.